हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक्सड्रॉइड ओएस एंड देखेंगे कि इसमें नए अपडेट में कौन कौन सा चेंजेस देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस रोम का नाम है एक्सड्रॉइड ओएस एंड इसका न्यू ऑफिशियल अपडेट आ गया है जो कि है हमारे रेडमी नोट 5 प्रो के लिए। इंस्टॉलेशन की प्रोसेस मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है, तो पूरा देखने के बाद ही इंस्टॉलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा या फिर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट थी कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले एक्सड्रॉइड का कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है आपको। इसमें हमें एंड्रॉइड वर्जन देखने को मिल जाता है जो कि है एंड्रॉइड 12L। नेक्स्ट सिक्योरिटी पैच जून 2022 का देखने मिल जाता है एंड ये लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको KUCF का कर्नल 4.19.241 का कर्नल देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट मेन सेटिंग का इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिलता है आपको, थोड़ा सा अलग है नॉर्मल ओएस के इंटरफेस से। सो, यहाँ पहले आपको नेटवर्क की जगह इंटरनेट का ऑप्शन देखने को मिलता है, उसके अंदर आपका वाईफाई एंड हॉटस्पॉट देखने को मिल जाता है और दोनों ही बहुत अच्छे से काम करते हैं। कनेक्टेड डिवाइस की जगह पर आपको यहाँ पर कनेक्टिविटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उसके अंदर चले तो यहाँ पर आपका ब्लूटूथ एंड कनेक्शन प्रीफरेंस में आपका कास्ट फीचर अच्छे से काम कर रहा है। नेक्स्ट MNM लिस्ट में आपको बहुत सारी सेटिंग्स एंड कस्टमाइजेशन फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है वो है सिस्टम इंटरफेस। इसमें आपको मॉनिटर इंजन, क्लॉक सेटिंग, बैटरी स्टाइल, सिग्नल आइकन एंड नेटवर्क स्पीड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो है वो जेस्टर की सेटिंग देखने को मिलती है, उसमें आपका सिस्टम नेविगेशन, ब्राइटनेस कंट्रोल, क्विक टैप, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें स्क्रीनशॉट भी अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट आपको बटन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऐसे ही आपको लॉक स्क्रीन एंड मिसलेनियस का ऑप्शन देखने को मिलता है। कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिलता है इन दोनों ऑप्शंस में। नेक्स्ट डिस्प्ले में आपको कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। डार्क थीम, ब्राइटनेस एंड नाइट लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हो डार्क थीम भी अच्छे से वर्क करता है। बाकी यहाँ हमारा वॉलपेपर एंड स्टाइल का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, इसे हम होम स्क्रीन से एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इसमें सब बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, सभी वॉलपेपर्स एंड थीम अच्छे से अप्लाई हो जाते हैं। बैटरी में हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता, बट ये अच्छा खासा बैकअप दे देता है। नेक्स्ट साउंड में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, ये आपका पूरा सेटिंग सेम देखने को मिलता है। ऐप्स के अंदर आपको यहाँ पर पिक्सल लॉन्चर देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ गेम स्पेस का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात की जाए तो आपको इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। स्टोरेज की बात की जाए तो ये इंस्टॉलेशन के लिए बहुत ही कम स्पेस लेता है। नेक्स्ट सिक्योरिटी में फर्स्ट तो आपका ऐप लॉक देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर। पैटर्न एंड फिंगरप्रिंट लॉक के साथ साथ फेस अनलॉक अच्छे से वर्क करता है। आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट सही से काम कर रहा है, बस एनिमेशन नहीं होता तो और भी फास्ट हो जाता है इसका अनलॉकिंग प्रोसेस। फेस अनलॉक भी प्रॉपर वर्क करता है, कोई डिले देखने को नहीं मिलता है फोन अनलॉकिंग में। नेक्स्ट आपका यहाँ डिजिटल वेलबिंग भी अच्छे से काम करता है। एंड लास्ट में आपको सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें आपको लाइव ट्रांसलेट लैंग्वेज
एंड रीसेट ऑप्शन देखने मिल जाता है। स्टेटस बार में आपको कोई लैग देखने को नहीं मिलता है, बट एनिमेशन की वजह से थोड़ा स्लो फील होता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी प्रॉपरली वर्क करता है, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है इसमें। कॉलिंग भी अच्छे से काम कर रहा है एंड कॉल रिकॉर्डिंग भी प्रॉपर वर्क करता है। ओवरऑल बात की जाए तो इस रोम में आपको ज़्यादा मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलता, बट ये स्टेबल रोम है, आप इसे डेली यूज़ कर सकते हो, सो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ इसे। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे कमेंट करके बता देना। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड इफ़ यू अप्रिशिएट माई वर्क प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। सो इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।